मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। एक मीटर है सर, मीटर रखा है टेबल के ऊपर, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे जैसे डब्बा रख दिया, फिर भी रीडिंग निकाल रहा है, फिर भी रीडिंग निकाल रहा है। नोट कर लो भाई सारे के सारे, सर तो वीडियो है नहीं है, सुनिए, ये फैक्ट है। आशा वर्कर का, जितने आशा वर्कर है उनका योगदान कोरोना टाइम में डॉक्टर के बराबर था, और जितनी आशा वर्कर लोगों की सेवा करते करते बीमार भी हुई और कितनियों ने अपनी जाने भी खोई, और आज वही आशा वर्कर 6 महीने से सड़कों पे बैठी है। आपने देखा मैटर, मतलब हमारी बहने हैं, हमारी बेटियां हैं, आशा वर्कर जो दिन रात काम करती है, उनका मानदेय सिर्फ जा रहा है। आज के समय में जो सबसे ज्यादा जो मौत का कारण बना हुआ है वो है सर हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। सबसे ज्यादा 90% रीजन है, एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू 60 ईयर्स ओल्ड और 70 ईयर्स ओल्ड, इसका इट हैज बिकम 90, 20 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड, उसके भी सर उसके अंदर लोड बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं सर हमारे, 15-15 साल के बच्चों को सर हार्ट अटैक हो रहा है। तो आई रिक्वेस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट प्लीज टेक सम इम्पोर्टेंट स्टेप अबाउट इट। एंड नेक्स्ट थिंग आई वांट टू नो, सारे गांव में आप पता करके देख लीजिए, वोल्टेज मीटर्स की वजह से या उनकी एक्सेस रीडिंग निकालने की वजह से हर जगह सर बड़ी प्रॉब्लम है। पीछे चोरस में भी काम लगा था, पबड़ावा में भी आवाज होती थी, अभी जहाँ बिजली का कोई तारा लगाया गया था, तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये एक हर जगह की प्रॉब्लम है सर, ज्यादा फिल आ रहे हैं। सारी सारी दोपहर में सर जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है उस टाइम भी वो रोड सर रात में बैठते हैं, ना वहाँ पानी की व्यवस्था होती है सर, ना वहाँ सर बाथरूम की व्यवस्था होती है। धान गाँव के अंदर एक ट्रेन स्टेशन है जिसका नाम है पेवा रोड, तो जो बुजुर्ग होते हैं वो जहाँ से भी डरते हैं, वो कहते हैं डांड की टिकट दो, डांड का सर नाम ही नहीं है उसमें, तो सर ये नाम चेंजिंग का ये एमपी साहब के संज्ञान में भी दिया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी दिया। तो हम सब देखो तो रोड़ा गाँव रोड सदलाना, ये ऐसे गाँव है जिसमें खेली आए वाली थी, जो अभी अभी बारिश का मौसम था उसमें बहुत से खेतों का बहुत नुकसान हुआ है, वहां पर पानी रुकता है, निकासी का कोई समाधान नहीं है। हमने कुछ सर मेरे को नेक्स्ट मीटिंग के अंदर एटलीस्ट इनका सबका एस्टिमेट, ठीक है, जो भी आस पास नहर है जहां पर भी पानी गिर सकता है फ्लडेड वाटर, उसका एस्टिमेट आप कंसर्न सिस्टम को भेजें और उसके कॉपी मेरे को फॉरवर्ड करें। सबसे ज्यादा जो पुअर परफॉर्मेंस है वो पंचायत की राज की है, ये जो आज 31 मार्च के काम पास हुए हुए आज भी वो टेंडर तक पहुंची है। कितना टाइम हो लिया भाई, 7-6 महीने हो लिए, अगर 6 महीने में ऐसे काम होने लगे तो चेयरमैन साहब ये बताओ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर और अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क। एक्सएन साहब एक बार इनको बुला लें, मेन चीज जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, एस्टीमेट का एस्टीमेट बेस होता है काम का, जैसे कि सिर्फ ये नहीं कितना एरिया है उसमें मटेरियल कितना लगेगा, और साइड टू साइड मतलब जो शुरू होता है ना किसी भी चीज का काम तो सूरज की दिशा शुरू होता है, शेड कितना हो क्या होगा, इनको एक बार प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवा दो। और दूसरा कौन जो आज की मीटिंग कर रही है, पहली बात तो ये है कि सारे ही बहुत बधाई के पात्र है, पार्षद महोदय है, इतना स्टाफ आया हुआ है, डिपार्टमेंट है, देखिए ये चीजें बहुत जरूरी है, छोटी सी यहाँ पे लड़ती करती भी होती है, लेकिन वो सारे के सारे सबका एक ही मोटिव है हमारा जिला के विकास का, और जिला परिषद एक ऐसी जोड़ी है तो ना केवल सिर्फ गली नाले चौपाल यहाँ तक सीमित है, जिला परिषद को इस जिले की हेल्थ का भी कंसर्न होना चाहिए, जिला परिषद को इस एरिया के अंदर जो फ्लडेड वाटर है उसके नुकसान हुए हुए किसानों का जो मुआवजा है वो भी कंसर्न होना चाहिए, जिला परिषद को उससे भी जो बड़ा कंसर्न होना चाहिए जो हमारे भाई बहने तो यहाँ पे सेक्टर 8 में या किसी भी मामले में वहां पर अपनी मांग लेकर जाते हैं, ये हम यहाँ पर जनता के द्वारा चुन के भेजे गए हैं,
तो मैं ये चाहता हूँ कि हम उनकी आवाज भी एक लीगल तरीके से एक फोरम को पूरा करके प्रोटोकॉल के साथ सरकार के पास। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई पीडब्ल्यूडी की बात है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है। एक तो है दोनों माजरा से बता लेकिन अगर जुड़ोड़ा से कुवाड़ा उसकी वही ब्रेक पर मिला जुड़ोड़ा से कुवाड़ा और ब्रेक पर सड़क का बहुत बुरा हाल है। लोग मतलब तू बैठे हैं पता नहीं क्यों बैठे जी। और अब यहाँ पे सर कोई नहरी इरीगेशन डिपार्टमेंट नहरी बात कुंडरी से होगी कुंडरी है हर लोग। तो ऐसा है सर, एक तो जनवाड़ा गांव परोट सदलाना ये ऐसे गांव है जिसमें घेरी राय वाली भी है। जो अभी अभी बारिश का मौसम था उसमें बहुत से खेतों का बहुत नुकसान हुआ है, वहां पर पानी रुकता है, निकासी का कोई समाधान नहीं है। हमने कुछ क्लियर नहीं काम कर सक रहा हूँ काम सर मेरे को नेक्स्ट मीटिंग के अंदर एटलीस्ट जिनका सबका एस्टिमेट ठीक है, जो भी आसपास नहर है जहां पर भी पानी गिर सकता है फ्लडेड वाटर उसका एस्टिमेट आप कंसर्न सिस्टम को भेजें और उसकी एक कॉपी मेरे को फॉरवर्ड करें ठीक है। 28 तारीख को हमारी मीटिंग है एड ऑफिस में, उसकी कॉपी हम आपको भी दे देंगे जो जो हमने स्कीमें बनाई है। लेकिन इसमें तो मैंने गांव के नाम पढ़े बिल्कुल जी वो है इसमें इंक्लूड है बिल्कुल इंक्लूड है ठीक है सर बिल्कुल। अब एरिया एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा वही उसके अंदर ठीक है। ठीक है सीओ साहब, एक सर गांव के ऑर्डर के अंदर कैथल के कुल पंचायत के राज से आया हुआ है कैथल पंचायत के राज एस डी ओ है। हाँ जी सर, एक कोटेश्वर की सर गांव जोड़ इसकी दीवार गिरी हुई है, उसके टेंडर शुल्क का लगा हुआ है, जैसी रात नहीं बनानी है। अब ये है कि उसको आप जल्द से जल्द करें क्योंकि वो टाइम बहुत ज्यादा डिले हो रही है ठीक है सर। उसकी दो की रिपोर्ट है मौजूदा कहाँ पे क्या चीज अटकी पड़ी है आप वो इन्फॉर्म करें जिला परिषद को करें और मेरे को टू कॉपी ठीक है। पब्लिक हेल्थ से गांव के अंदर वाल्मीकि बस्ती है और आप एक्शन साहब से मिल चुके हैं इस बारे में, उनको लिखित में दे चुके हैं इसके बारे में। लगभग 1 किलोमीटर की पाइप आ रही है उसका सर एस्टिमेट दादू का मेरे को पता है, उसको जितनी जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल उसको करें और जो वहां पे सबसे नीरेस्ट लड़की है उसका कनेक्शन उसके साथ कर लेगा काम ठीक है सर। इसकी रिपोर्ट दे सर जितनी जल्दी हो। एक सर सबको मिलेगा सर सबको मिलेगा। एक टीम रोड है तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर इस एरिया के एक मिडवाइफ इस एरिया के सर 90% जो कानून व्यवस्था है वो लोकल पंचायती लोग चलाते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है सर, आप बोलो 307 तक के मुकदमे 302 तक के मुकदमे पंचायतों में निपट रहे हैं सर। लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि आप थाना सदर में जाओ, पुलिस लाइन में जाओ, सीआईए में जाओ या आप महिला थाना में जाओ, वहां पर जो पंचायतें कंडक्ट होती हैं सर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वहां पर आप देखते हो जब भी जाते हैं वहां पे अलग अलग पंचायतें इकट्ठी होती हैं ताकि मामले को वहीं पे सॉर्ट आउट किया जाए। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है सर। ये चीज मैंने एसपी लोकेंद्र सिंह के सामने भी रखी थी और उन्होंने ये बात मानी भी थी और इस पे अप्लाई करने के लिए प्रॉमिस किया था। वहां पे सर क्या होता है
कि जो लोग आए होते हैं मधुपुर पंचायतों में या जो पार्टी आई होती है जो कंसर्न पार्टी है वो सारे सर जमीनों में बैठते हैं सारी सारी दोपहर में सर जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है उस टाइम भी वो लोग सर रात में बैठते हैं ना वहाँ पानी की पीने की पानी की व्यवस्था होती है सर ना वहाँ सर बाथरूम की व्यवस्था होती है मतलब इस एरिया के तो 90% कानून व्यवस्था को चलाते हैं तो सीएम साहब बस सर ये रिक्वेस्ट है कि या तो जिला परिषद या तो सर जिला परिषद अमान से या सर हमारी सर आपस में कोई हमारी सर पर्ची काट ली जाए या फिर कोई भी सही और देखे जाए तो कुछ ना कुछ वैकेंसी और ऊपर एक छोटी सी छत और सर बिल्डिंग बनवाने के लिए भी कह रही है थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ माफी इंतजाम हो ताकि लोगों के सर ये उनकी पंचायतों में सवाल है इसमें देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में थाने हैं वहां को ऑन फंड से हम कोशिश करेंगे 12 के लिए इसमें रहेंगे ठीक है ऑन फंड इससे 12 उस पर कोशिश करेंगे और बाकी अस्पताल से अनुरोध करेंगे जो अर्बन एरिया में हमसे सदर का अनुरोध सदर कंसर्न है ना हमारे गाँव क्षेत्र में ना उसमें जो बिल्डिंग है उनके लिए लगते हैं तो वो अपने थाने की डिमांड दे काम के अपने तो हम प्रयास करेंगे जितना उसमें हम करवा सकते हैं मैं अभी बताता हूँ मेरा अभी 5 मिनट पहले ही अपना एसएचओ उसका ही फोन आया तो उसने यही जो डिमांड मेरे को बोली थी एक तो कह रहा सर हमारा लाइट नहीं है बिल्कुल तो बाहर का जो भी ग्राउंड है जो आंगन है या बाहर गेट के बाहर लाइट कह रही थी दिक्कत है और एक कैमरा तीसरा मोड़ पे तो मैंने रिको को अभी नोट करवाई थी कि मान लो नोट करा कर कैसा पॉसिबिलिटी बनती है आप इसको एक सर अभी रिसेंटली जो ये पिछले 2 महीने का बिल आया था बिजली का सारी जगह सर सारे गांव में आप पता करके देख लीजिए वोल्टेज मीटर्स की वजह से या उनकी एक्सेस बिल्डिंग निकालने की वजह से हर जगह सर सब बड़ी प्रॉब्लम है पीछे चोरस में भी काम लगा था पकड़ावा में भी आवाज उठी थी अभी जहां बिजली का कोई तारा लगाया गया था तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये एक हर जगह की प्रॉब्लम है सर ज्यादा बिल आ रहे हैं कोई ना कोई वहां पे कोई डिपार्टमेंट के लोग कैप करके जो उसको कम करवाने का काम किया जाए बिजली के कनेक्शन है कोई कौन आया हुआ था उत्तर रहेगा हाँ जी नहीं वैसे कारण क्या था 2 महीने का बिल दिया गया एकदम से मतलब जिस साल टीका 1000 रुपये का सर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा एक मीटर है सर मीटर रखा है टेबल के ऊपर कोई कनेक्शन नहीं कुछ नहीं ऐसे जैसे डब्बा रख दिया फिर भी रीडिंग निकाल रहा है फिर भी रीडिंग निकाल रहा है नोट कर लो भाई सारे के सारे फिर तो वीडियो नहीं नहीं सुनिए ये सब फैक्ट है क्लियर हुआ है हमारा मोबाइल में तो सवाल था कर लो मेरी बात सुनो मोबाइल में तो कहां की रिकॉर्डिंग है क्या है उसके अंदर बैटरी क्या को किसी घर में लगाओ वो लैब में आप और सर फिलहाल ये मानदान में जा रहा हूँ तुम्हें और सर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर एक मैटर हो रहा है वो रेलवे डिपार्टमेंट से तो नहीं आता सर हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से तो नहीं आता पर सर हम उसको लिख तो सकते हैं कुछ वहां बिल्कुल लिख सकते हैं पर दान गांव के अंदर एक ट्रेन स्टेशन है जिसका नाम है पेवा रोड तो जो बुजुर्ग होते हैं वो जहां से भी करते हैं
वो कहते हैं डांड की टिकट दो, डांड का सर नाम ही नहीं है उसमें। तो सर ये नाम चेंजिंग का ये एमपी साहब के संज्ञान में भी दिया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी दिया, तो हम चाहते हैं एक बार इसको लिख के भेज दिया जाए। और सर लास्ट बट नॉट लीस्ट सर सबसे सर तेरे में सर बहुत जरूरी कार्य है, एक चीज है सर, हम सर सारे के सारे राजनीतिक लोग हैं जितने यहाँ बैठे हैं सारे चुनाव जीत के आए, हम लोगों के सुख दुख में जाते हैं सर, वहां पे जब हम जाते हैं मरने जीने में, आज के समय में तो सबसे ज्यादा जो मौत का कारण बना हुआ है वो है सर हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर, सबसे ज्यादा 90% रीजन है एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू 60 इयर्स ओल्ड और 70 इयर्स ओल्ड, इट हैज बिकम 20 इयर्स ओल्ड 30 इयर्स ओल्ड, उसके भी सर उसके अंदर लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं सर हमारे 15-15 साल के बच्चों को सर हार्ट अटैक हो रहा है। सो आई रिक्वेस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट प्लीज टेक सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स अबाउट इट, एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू नो कि भाई यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से कौन है, मैडम कहाँ है मैडम, एक मिनट मैडम, आप पहले भी मिले मैडम, वो आपने पहले भी समस्या रखी थी मुझे सोना होगी मैडम, हम ये चाहते हैं कि जो नॉलेज है हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, हार्ट फेलियर से कैसे बचा जाए, वो डॉक्टर्स तक जिनके नाम वो जनता के पास भी आए, लोक संपर्क विभाग है, लोक संपर्क विभाग टाइम टू टाइम पर कैंप लगा दे साल दो साल मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसा डॉक्टर कोई ऐसी टीम हो तो या तो गांव गांव जाकर बताए या फिर मीडिया के माध्यम से, जितने मेरे मीडिया के बंधु यहां खड़े हैं मैं आप सबसे इसकी रिक्वेस्ट करता हूं और सहयोग मांगता हूं कि भाई जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी हो इस मामले में तो वो जनता तक पहुंचाने का काम करें, आपसे प्रार्थना है। तो मैडम इसके बारे में आप थोड़े से प्रकाश डाल दें इसको। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, हमने भी नोट किया है, 29 को हमारा वर्ल्ड हार्ट डे भी है, मैं आरपीएस के टीम को हमारे गांव में टीम जाती है स्कूलों में कॉलेजों को, वो हमें एक टू पेज का बना देंगे कि वो जाके बच्चों को अवेयर करें कि ये क्यों होता है, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। पहले भी हमारी टीम जा रही है डाइट के बारे में, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में वो कर रहे हैं और इसको और ज्यादा, और मीडिया के थ्रू मैं अपने फिजिशियन और एक पीडियाट्रिशियन की ड्यूटी लगा रही हूँ कि वो हफ्ते में 2 बार मीडिया बुलेटिन जारी करें ताकि वो मीडिया में आ जाए, लोग इसको पढ़े और कुछ फेसबुक वगैरह पे भी एडमिशन। थैंक यू। पहले तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मीडिया में इसकी वो फिल्टी जारी करें वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन साहब मेरा बहुत लास्ट पॉइंट है, तीसरा ही लास्ट था। अब ये सर आशा वर्कर का, जितने आशा वर्कर्स हैं उनका योगदान कोरोना टाइम में डॉक्टर्स के बराबर था, और जितनी आशा वर्कर लोगों की सेवा करते करते बीमार भी हुई और कितनियों ने अपनी जानें भी खोई, और आज वही आशा वर्कर 6 महीने से सड़कों पे बैठी है। चेयरमैन साहब आपने देखा अपना डिस्कस हुआ था ये मैटर, मतलब हमारी बहनें हैं हमारी बेटियां हैं आशा वर्कर जो दिन रात काम करती हैं, उनका मानदेय सिर्फ 4,000 है चेयरमैन साहब, जियो साहब 4,000 मानदेय है। तो मैं चाहता हूं कि उनकी आवाज उठाने में जिला परिषद अपनी तरफ से लिख के दे कि भाई इनका मानदेय बढ़ना चाहिए, इनकी मान मानदेय देखो हम अपने जिला परिषद की तरफ से एक लेटर बना के जो भी संबंधित हम उसको भेजेंगे, लेटर बनाएंगे उसमें सारे मिलकर साइन करेंगे अपने सेल पर आएंगे, और अपनी बहन आना चाहिए।